हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि है वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है ये, साथ साथ बहुत ही डिलिशियस बनकर आती है, तो आप खुद जान जाएंगे कि कितनी इजी है ये। बनाना शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले 3-4 कप पानी को उबलने के लिए रख दिया था, उसमें ऐड कर दिया है नमक। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप सोया चंक्स। सोया चंक्स पर्सनली मुझे पसंद है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वेजिटेबल पुलाव में। आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल कोई और वेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5-7 मिनट अच्छे से उबाल लिया इसको, उसके बाद मैंने चेक कर लिया था। आप एक पीस निकाल कर खा कर चेक कर सकते हैं, फोक से चेक करना चाहते हैं तो उससे चेक कर सकते हैं। अच्छी तरीके से पक जाएंगे तब आप इसको निकाल लें और एक्सेस जो भी इसका पानी है वो सब ड्रेन कर लें। अच्छी तरीके से इसको निकाल कर और स्पैचुला से इस तरीके से प्रेस कर दें और सारा जो एक्सेस पानी है वो इसका निकल जाएगा इस तरीके से। तो इसको अब हम रख लेते हैं साइड पर, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैंने 2-3 टेबलस्पून के करीब ऑयल गरम कर लिया है कढ़ाई में और उसमें ऐड करा है 1 कप पनीर। तो पनीर की क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं, सब वेजिटेबल्स की क्वांटिटी पर। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स भी अच्छे नहीं लगते हैं पुलाव में, तो लिमिटेड वेजिटेबल्स आप ऐड करें, ऐसा ना हो कि सिर्फ वेजीज दिखें और चावल आपके कम लगें। तो गोल्डन ब्राउन पनीर मैंने कर लिया है, उसके बाद निकाल लिया है। और अब सेम तेल में मैं ऐड कर रही हूँ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ 3, यहाँ पर मैंने लिए हैं हरी इलायची, 3 से 4 मैंने लिए हैं लौंग, 1 से 2 मैंने लिए हैं तेज पत्ता, साथ साथ ही मैंने ली है 2 बड़ी काली इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 काली मिर्च और 1 छोटा सा टुकड़ा मैंने जावित्री का भी इसमें ऐड किया है। तो खड़े मसालों को कुछ सेकेंड्स के लिए मैंने भून लिया है और अब 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा, हल्का सा इसको चला लिया है। और उसके अलावा मैंने लिया 1 छोटे साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई, उसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो ये अच्छे से प्याज को मैं चलाती जा रही हूँ और जब ये लाइटली गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें, जैसे कि ये वेजीज जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मटर लिया है, मैंने ग्रीन बेल पेपर लिया है, कैरेट ली है और बीन्स लिए हैं। आप कोई भी वेजिटेबल जो आपकी पसंद का है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, बाकी जो चीज़ें मैंने डाली हैं शिमला मिर्च, गाजर, मटर, जो आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 कप के बीच में ये वेजीज़ हैं जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चला लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। नमक ऐड कर दिया है मैंने ताकि वेजिटेबल्स हमारे साथ साथ पकते जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। और थोड़ा सा इसको पकाने के लिए मैं आप ढक्कन ढक दूंगी और 3 से 4-5 मिनट लग जाएंगे इन वेजीज़ को सॉफ्ट होने में। तो ढक्कन ढक के इसको मैंने पका लिया है मीडियम फ्लेम में अभी। और जब ये वेजीज़ अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं अब, तो एक बार इसको पहले चला लेते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सोया चंक्स जो हमने उबाल के रखे थे वो, साथ साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें जो तीखापन हम ऐड करते हैं वो सिर्फ हरी मिर्चों से ही ऐड करते हैं, तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी डेफिनेटली अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मिक्स कर दिया इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से और बस अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मैंने 2 कप चावल लिए हैं यहाँ पर, उसको सोक कर लिया था 15 मिनट तक के लिए। बासमती राइस अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें। उसके अलावा 4 कप इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, जितने चावल लिए उससे दुगना पानी। और अब इस टाइम पे आप नमक चेक कर सकते हैं। ये जो पानी है यही असली चीज़ है जो बता सकता है आपको कि इसकी इसमें नमक की क्वांटिटी कैसी रहेगी, क्योंकि एक बार चावल पक जाएंगे और फिर आप नमक ऐड इसमें गुंजाइश नहीं रहती है। तो आप इस टाइम पे नमक एडजस्ट कर सकते हैं, इस पानी को आप टेस्ट कर सकते हैं, इस पानी को टेस्ट करिए और नमक की क्वांटिटी उसके हिसाब से ऐड कीजिए। पानी अगर आपका नमकीन होगा तो चावल भी बहुत अच्छे से नमकीन बनकर आएंगे। तो अच्छे से उबाल लिया है मैंने इसको और जब पानी की क्वांटिटी बिल्कुल आधी इसमें रह गई है तब मैं अब ढक्कन लगा रही हूँ और इसका फ्लेम मैंने अब कर दिया है मीडियम। और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से मैंने पका लिया है, बिल्कुल कम पानी रह गया, आप देख सकते हैं सिर्फ बबल्स बबल्स उठ रहे हैं। अब पानी बिल्कुल सूखने पर है इस टाइम। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड करे हैं पनीर क्यूब्स। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पनीर क्यूब्स पहले क्यों नहीं ऐड करे। पनीर क्यूब्स हमने करे हैं फ्राई, तो उसके अंदर एक अच्छा सा हमने क्रंच ऐड करा है। अगर हम उसको चावलों के साथ पका लेंगे तो पनीर क्यूब्स का फ्राई करने का जो बेसिक मकसद है हमारा वो हो जाता है बेकार। तो आप देख सकते हैं मैंने पनीर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है पूरे चावल पर और बिल्कुल पानी ऑलमोस्ट सूखने पर ही और चावल कम्प्लीटली पकने पर है तब मैंने पनीर ऐड करा है। बिल्कुल लो फ्लेम कर दें आप और ढक्कन ढक दें 3-4 मिनट तक के लिए, इसी तरीके से लो फ्लेम पर इसको पकाएं और उसके बाद चावल बनकर हैं बिल्कुल रेडी। ये आप देख सकते हैं
पनीर का गोल्डन ब्राउन कलर बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर हमने पनीर डाला है तो बहुत ही मॉइस्ट यानी कि बहुत ही सॉगी नहीं हो गया हमारा पनीर, साथ साथ वेजीज अच्छे से पक चुके हैं, राइस भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इस टाइम ऐड कर रहे हैं कटा हुआ बारीक धनिया और हल्का सा मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ मैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से खिले हुए चावल बनकर आए हैं। और नीचे देख सकते हैं आप कढ़ाई बिल्कुल है क्लीन, दैट मीन्स बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपके हैं ये चावल। तो हमेशा जब भी आप चावल पकाएं तो पहले उसका पानी आधा उबाल कर कर लें, उसके बाद ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पर उसको पकाएं, और मीडियम फ्लेम पर जब पानी बिल्कुल सूखने पर आ जाए तब आप फ्लेम को कर दें बिल्कुल लो और ढक्कन ढके रखें जब तक कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी ड्राई ना हो जाए। तो बनकर आते हैं इस तरीके से खिले खिले चावल, ये देखिए। तो ये बनकर तैयार है डिलीशियस वेजिटेबल पुलाव, एकदम बढ़िया खिले हुए चावल साथ साथ एकदम पकी हुई सब्जियां, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन कुछ एकाध चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि चावल बिल्कुल हमारे सॉगी नहीं होने चाहिए, खिले खिले आने चाहिए, और साथ साथ सब्जियों का ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए, सब्जियां इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए चावल के, तभी अच्छी लगती हैं। एकदम से हम बहुत सारे वेजीज इसमें भर देते हैं तो भी इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो ध्यान रखिए कुछ एकाध चीज़ों का इसको बनाते हुए, जो आई होप मैंने आपको बताई हैं, आपको पसंद आई हो वो बातें और अच्छी लगी हो आपको ये रेसिपी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो ये रेसिपी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोस आप करते हैं पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून विद अनदर ग्रेट रेसिपी, तब तक इन्जॉय कीजिए ये डिलिशियस वेजिटेबल पुलाव। बाय बाय एंड टेक केयर।